महादेव की नगरी काशी में स्वागत है आपका आपकी अपनी व्लॉग बाय बंडल ऑफ जॉय के साथ। आप कर रहे हैं वर्चुअल दर्शन काशी विश्वनाथ के सिर्फ और सिर्फ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। ट्रेन में आपके कोच नंबर्स और सीट्स किस तरीके से? हमारी है B5 में 65, 66, B1 और 68। तो यानी तीनों लोअर हमें मिल गई है और हम पहुँच गए हैं आनंद विहार। तीनों मेरी गर्ल्स रेडी हैं एकदम डिपार्चर के लिए और आपकी बंडल ऑफ जॉय भी रेडी है। वाराणसी जाने के लिए आपके सिटी से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल सकती है। मेरी ट्रेन का नाम है वाराणसी BSV जो शाम को 6 बजे निकल कर सुबह 6 बजे वाराणसी पहुंच गई थी। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? यही वाला कंपार्टमेंट। फ्लाइट के लिए लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी से 18 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऑन टाइम ट्रेन चल चुकी है, एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग निकल चुके हैं अब दिल्ली से। सुबह 6 बजे का हमारा अराइवल है बनारस। तो अब देखते हैं कि हम सुबह टाइम पर पहुंचते हैं। हेलो, से हाय, अपना नाम बताओ। दीप्तांशु। अच्छा, आप मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ। ये माइक नहीं है। वी आर फ्रेंड्स नाउ। ओके, अब सब्सक्राइब कर देना ठीक है, वरना ये एनिमी बना लेगी आपको। आप घूमने जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो घूमने? काशी। हम भी काशी जा रहे हैं। इंडिया का सबसे पुराना शहर है बनारस, जो 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है। हालांकि सब सो ले रहे थे पर भैया ने बोला है कि तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। 120 रुपए लेंगे यहाँ से ऑटो करते हो आपको, और आपको बहुत मशक्कत के बाद हमें ये रूम मिला है। डबल बेड है इसमें और वॉशरूम है, एसी भी लगा हुआ है। इस रूम का टैरिफ हमें बड़ा है 3,300। 4 लोग इसमें स्टे कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रेफरेंस हमारी थी कि हम एक ही रूम में स्टे करें चारों। तो यहाँ पर हम 3,300 में रुके हैं विद इंक्लूडिंग टैक्सेस, और यहाँ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है। ये होटल इंपेरियल काशी। तो अगर आप बनारस आ रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, यहाँ का स्टे अच्छा है। तो फैमिली के साथ यही होता है बेचारों को, रूम से बाहर निकालो, शूट करना है, रूम दिखाना है, फिर रूम बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। ये आराम से लेते हैं तो ये है हमारा आज का स्टे, होटल इंपेरियल काशी। अभी हम रेडी होके जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, जिनके लिए हम इतनी दूर आए हैं। ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग होने वाला है और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। सुबह से अब तक अब बज चुके हैं 11:09 हो रखे हैं। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा अभी तक का, बट आई जस्ट होप आगे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। आज हम पहनने वाले हैं साड़ी, साड़ी में हम करेंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन। दर्शन करने के बाद हम जाएंगे अस्सी घाट पे दर्शन करेंगे, लाइव गंगा आरती अटेंड करेंगे और वहाँ पर बैठेंगे देर रात तक, लेंगे नज़ारे गंगा घाट के। मिलते हैं आपसे
रेडी होने के बाद हर हर महादेव। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, हर हर महादेव। दिल्ली से बनारस का मेरा सफर कैसा रहा, सारी डिटेल्स मैं आपको साथ के साथ दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं। अपने बंडल ऑफ जॉय के साथ आप कर रहे हैं वर्चुअल यात्रा। आ गई हूँ अपनी गर्ल गैंग के साथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। अभी लास्ट मैंने कुछ ब्लॉग्स में आपने देखा, मैं 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकी हूँ। महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग है जो कि काशी विश्वनाथ है। कहा जाता है ये बहुत ही पावरफुल ज्योतिर्लिंग है। आप सभी जानते हैं काशी नगरी जो है वो भोले बाबा की सबसे प्रिय नगरी है, तो यहाँ की जो वाइब है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। काशी विश्वनाथ धाम की कहानी बहुत पुरानी है। इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया और बनाया गया। 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे दोबारा बनवाया। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में इनॉग्रेशन करके इस मंदिर को और भी ह्यूज और ब्यूटीफुल बना दिया। जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद गेट नंबर 2 से सीधा ही रास्ता है, वहाँ से आने के बाद आपको एक अनबिलीवेबल जगह देखने को मिलेगी। और अभी आप वो जगह देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लॉग बाय बंडल ऑफ जॉय के साथ। जब आप यहाँ विजिट करेंगे तो आपको क्या करना है, इस कुएं के अंदर अपनी परछाई को देखना है। अगर आपकी परछाई आपको दिख जाती है तो आप सेफ है, बट अगर आपको अपनी परछाई इस कुएं के अंदर नहीं दिखती है तो ये बोला जाता है, अब सच है नहीं मुझे नहीं पता, और अभी यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है तो इसलिए मैं जाके चेक नहीं कर सकती। बोलते हैं कि अगर आपको अपनी परछाई नहीं दिखती तो 6 महीने के अंतराल में ये निश्चित है कि आप मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। और ये मैंने अभी काफ़ी लोगों से सुना और मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी थी यहाँ आने से पहले। और अभी यहाँ पर बच्चे हैं, उन्होंने भी बताया कि दीदी हम तो यहाँ पे नहाते हैं, हमें तो अपनी परछाई दिखती है। और ये मंदिर सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम को बंद हो जाता है। यहाँ आके आप अपनी परछाई देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। ये एक बहुत ही स्पेशल जगह है अपने आप में। अगर आप बनारस आ रहे हैं तो काशी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भी आके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितना जीवन काल कितना बचा है। तो मेरे साथ आप भी बोल सकते हैं हर हर महादेव। जो मेन चीज है वो हटा दिया गया, उनको गुप्त कर दिया गया। गुप्त कर दिया उस समय औरंगजेब बादशाह मंदिर तोड़ रहा था, तोड़ का वो जमाना रहा ना। ये देखिए काशी के राजा जीवोदास पुण्य में बैठे हैं, ये विश्वनाथ है। आओ मैं आगे से दिखाती हूँ। ये चतुरात्मलिंगम है। चतुरात्मलिंगम का मतलब समझा आप लोग? ये भगवान की आत्मा है। हाँ जी। किस समय राजा जीवोदास सबको हटाए हैं, उनकी आत्मा लिंग द्वारा यहाँ बैठी रही। अच्छा। सभी देवता चले गए हैं, शक्ति यहाँ बैठी रही है। अच्छा। शक्ति की पूजा राजा जीवोदास जी करते रहे और शक्ति द्वारा सबको यहाँ से हटाए हैं। तो ये देखिए नीचे में बैठे काशी के राजा जीवोदास, ये विश्वनाथ, ये छोटी सी देख रही है, 3 हृदय में है। अच्छा। ये चतुरात्मलिंगम है। अच्छा। ये ऊपर में बैठे आशा विनायक गणेश 56 विनायक। अच्छा। में बीच में बैठी है विश्व पूजा गौरी। अच्छा। ये पूरे विश्व के अंदर में नहीं है, काशी में प्रथम गौरी आई है, शिव नहीं आई है। अच्छा। देखिए हम आपको पूरा बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। काशी में प्रथम गौरी आई है, शिव नहीं आए हैं। काशी में प्रथम शक्ति बैठी रही है। हाँ। शिव चले गए हैं यहाँ से। अच्छा। शक्ति यहीं पर है, आज भी यहीं पर। हाँ। शक्ति आज अपने स्थान पे बैठी है। भोले बाबा गए हैं लेकिन भोले बाबा की आत्मा यहाँ बैठी है। देखिए हम आपको सभी बता दी। हाँ ये जी। कोई बताएगा नहीं जी, सभी आदमी कहेगा पैसा पैसा पैसा। हम कहते हैं ना पैसा दे के आए ना पैसा दे कर जाएंगे। सही बात है जी। जो हम मुख्य से बताएंगे वो हमारे साथ में जाएगा। मेन्यू सेलेक्ट करके आप करते हो ऑर्डर और इतने सारे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स टू भी शॉप वगैरह बोल सकते हो।
पहले जाना होता है आपको कैश काउंटर, यहाँ से परचेस करने के बाद आप अपना खाना ले सकते हो। और ये है अमृत भवन, यहाँ पे बहुत सारे भवन बने हुए हैं। ये माना जाता है कि गंगा स्नान के बाद आपको काशी के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, इसीलिए इस मंदिर से निकलता हुआ एक कॉरिडोर बनाया गया जो ललिता घाट और मंदिर को कनेक्ट करता है। गेट नंबर एक से बिल्कुल बाहर निकलते हुए आपको एक घाट मिलता है और यहाँ पे आप गंगा आरती अटेंड करने आ सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले ये मंदिर 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, पर रेनोवेशन के बाद इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर फीट हो गया। यहाँ पर डेली 2.5 लाख से भी ज़्यादा भक्त दर्शन करने आते हैं। 21 महीने में इस मंदिर ने काम पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं काशी में निवास करते थे, पर जब बात फैली कि इस मंदिर को तोड़ा जाने वाला है तो मंदिर में बने एक कुएं में शिवलिंग को छुपा दिया गया, जिसे वेल ऑफ विजडम कहा जाता है। मंदिर के ऊपर सोने के डोम्स बने हैं और शिखर दर्शन करने से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। काशी धाम बनाते बनाते 40 छोटे छोटे मंदिर मिले जो शॉप्स के नीचे, घरों के नीचे दब चुके थे। बनारस में टोटल 84 घाट हैं जहां पर भक्त जन आकर स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। इनमें से 2 घाट मणिकर्णिका और हरीशचंद्र, जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग अपने अंतिम सांसों को छोड़ देते हैं। तो ये थी सारी जानकारी काशी विश्वनाथ धाम की। I just hope I have delivered all the information. Make sure that you visit this place once in your lifetime because it's truly worth your visit. पहुंच गए हैं मिर्जापुर, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। गवर्नमेंट बसेस में ट्रेवल करें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ।